एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं तमोह जिले की खबरें। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिणामों को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होनी है, जिसको लेकर के दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी के अलावा अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। साथ ही मतगणना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही मीडियाकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। रिपोर्ट एसीएन न्यूज। ये संघर्ष खत्म भी नहीं होना चाहिए, नेताओं पत्रकारों का चलता रहना। सर अपने निर्वाचन आयोग के जो निर्देश है उनका पालन आपको भी करना, हमको भी करना, हमको करने चाहिए। कार्ड के ऊपर निगाह होगा सभी कार्ड के ऊपर। कई बार कई पत्रकार बंधु होते हैं जिनको किसी आवश्यक काम के लिए बाहर जाना होता है और फिर वो वापिस आ जाते हैं, लेकिन ऐसे समय पे पुलिस के कर्मी कई बार ये कहते हैं कि आप एक बार बाहर गए। लेकिन आप लोग भी ध्यान दे लेंगे कि पास मिस ना हो तो उस स्थिति में दिक्कत आएगी। अगर मान लीजिए रजिस्टर चेक करने वाला है उसको हम ना फॉलो करें तो पास देख के ही एंट्री होगी, तो बेहतर ये है कि पास को आप लोग अपने पास सुरक्षित रखें, वो खोने ना पाए। सर वो प्रवेश वाला भी ये कैटसर से लगभग सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। जो भी सीएपीएफ एसएएफ और जिला बल लगना है उनकी आज हमने 3 बजे रिहर्सल रखी है। 3 बजे एक बार सभी जगह पर सभी फोर्सेस को जो उनके पॉइंट्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय करके चेक किया जाएगा और फिर कल सुबह लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में हम कॉलिंग कराकर 4:30 बजे तक अपनी पूरी व्यवस्था लगा लेंगे, ताकि उसके बाद जो भी लोग अंदर आने वाले हैं उनकी चेकिंग टाइम भी हो जाए और उनको अंदर किया जा सके। मीडिया कर्मियों से मेरा एक और निवेदन रहेगा कि आप लोग जो सुबह जब आने वाले हैं तो प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा टाइम भी आ जाए, क्योंकि जब एजेंट्स की लाइन लंबी शुरू होती है तो वो बहुत देर तक अंदर एंट्री करते रहते हैं, तो उस स्थिति में कुछ मीडियाकर्मी बाहर रह जाएंगे, तो बेहतर ये होगा कि वो थोड़ा पहले आ जाएंगे तो उनको हम अलग से एंट्री करा देंगे। इसके अलावा किसी को कोई कुछ पूछना हो सुरक्षा की दृष्टि से या एंट्री की दृष्टि से पूछ सकता है। सर एक तो निवेदन ये है वो बता सकता है कि उसका पास नहीं मिल रहा है तो पीआरओ साहब से। सर हालांकि आपके आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है उनके पास तो सही सूची रहती है। वेरीफाई हो जाता है, वो वहां से चेक कर लेते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई अलग से आपकी कोई ड्यूटी नहीं है उसमें, क्योंकि इनकी तरफ से तो नियम क्लियर है। आपको 5-5 लोगों के उसमें ग्रुप को लेकर चेक करवा देते हैं और आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा देते हैं जहां तक अलाउड रहता है। उसमें जहां अलाउ नहीं होता है वहां पर आपको ये फुटेज और वीडियोग्राफ करवा देंगे। तो नहीं ऐसी उसमें कोई बात नहीं है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं, विधानसभा में कर चुके हैं। लोकसभा में वैसे भी लोड कम होता है हम विधानसभा से, तो मुझे लगता है कि 11-12 बजे तक चीजें सेटल हो जाती हैं, उसके बाद तो उतनी भीड़ रहती भी नहीं है कि किसी को दिक्कत आए। वो चालू हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल अंतिम चरण में है। जो मतदान कर्मी हैं उनका, मतगणना कर्मी हैं उनका सेकंड रेंडमाइजेशन आज हो चुका है, कल सुबह उनका थर्ड रेंडमाइजेशन भी हो जाएगा। आज शाम को 4 बजे जो हमारा बैलेट पोस्टल बैलेट बॉक्स है उसको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम में। कल सुबह निर्धारित समय 8 बजे पोस्टल बैलेट की गणना के साथ मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम्स की मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। इसके लिए
सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, थ्री लेयर सिक्योरिटी से लेकर के सारी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर हमने इंतज़ाम कर लिए हैं। इसके अलावा सभी को परिचय पत्र के साथ ही एंट्री की गई है। मोबाइल लेकर के जाना रिस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल जिनके लिए मोबाइल अलाउड है वही मोबाइल ले जा सकेंगे, बाकी कोई भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकेगा। फायर फाइटर, जनरेटर्स और एयर कंडीशनिंग और एम्बुलेंस और मेडिकल टीम, सभी तरह की व्यवस्थाएं की तैयारियां हमने कर ली हैं। और अलग अलग जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं और विधानसभा क्षेत्र वाइज जो हैं, हम हमारी टेबलें हैं जिसमें तीन विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग 21-21 टेबलें लगा रहे हैं और एक विधानसभा क्षेत्र में 20 टेबलें लगेंगी। इस प्रकार से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से और सुरक्षित ढंग से मतगणना के पूरे इंतजाम हम लोगों ने कर लिए हैं। लगाई हुई है इसमें जिला बल है, SAF का फोर्स है और CAPF का फोर्स डिप्लॉयड रहेगा। सभी जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके एंट्री गेट पर मतदान कर्मियों के लिए और जो एजेंट आए उनके रिस्किंग और चेकिंग के लिए पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। जो कर्मचारी मतगणना में शामिल हो रहे हैं उनका एंट्री पॉइंट अलग से है। उसके अलावा जो एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स और मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए भी अलग से एंट्री पॉइंट दिया गया हुआ है। और तीनों ही कॉर्डन में लगभग 500 के आसपास का फोर्स हम लगा रहे हैं। ट्रैफिक की भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें ट्रैफिक डाइवर्जन से लेके और पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी और उसमें भी करीब 50 से 100 का फोर्स हम उपलब्ध करा रहे हैं। उसके संबंध में एक दिन पूर्व ही प्रेस नोट जारी कर दिया गया है कि कहाँ से ट्रैफिक बंद किया जाएगा और किस प्रकार से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। तो इन सभी व्यवस्थाओं के साथ मुझे लगता है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कल की मतगणना कंप्लीट करेंगे। प्रवेश द्वारों में कोई परिवर्तन है सर कि वही है यथावत? प्रवेश द्वारों में अभी जो विधानसभा चुनाव के दौरान रखा गया था वो लगभग वैसे ही रखे गए हैं। बीच में हमने एक और फेंसिंग लगाकर फिस्किंग का पॉइंट और बनाया है ताकि कहीं से भी कहीं ये चूक ना हो कि जिन लोगों को मोबाइल फोन्स या गैजेट्स अलाउ नहीं किए गए हैं वो अंदर ले जा पाएँ। उसमें जिन लोगों को पासेस के साथ मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स अलाउ किए गए हैं केवल उनको ही वहाँ पर अलाउ किया जाएगा जाने के लिए। इसलिए हम लोगों ने उसको चेकिंग को जो है वो दो पॉइंट लगा रखा है और सहूलियत और सुविधा के लिहाज से हमने गैंगवे जहाँ पर चेकिंग होती है उनकी संख्या बढ़ा दी है ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को अंदर कराया जा सके और मतगणना जो है उसमें उनको शामिल किया जाए। यातायात को लेकर क्या तैयारी? यातायात के लिए हमने डाइवर्जन पॉइंट्स और जो जहाँ पर ट्रैफिक को रोकना है वो कल जारी कर दिया है। पॉलिटेक्निक के सामने की जो रोड है उसमें एक साइड की रोड जो है वो बंद होगी और दूसरे साइड की रोड से ही ट्रैफिक का पूरा आवागमन होगा। दोनों ही तरफ जहां पर पॉलिटिकल एजेंट हैं और कर्मचारी हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था लगाई गई है, वहां पर पार्किंग में भी ट्रैफिक का फोर्स अवेलेबल रहेगा ताकि कोई गाड़ी निकलनी हो या बाहर जानी हो या अंदर आनी हो तो उसमें दिक्कत ना हो और जाम की व्यवस्था ना हो। विजय जुलूस निकलता है खासतौर पर तो उसके लिए क्या इंतजाम और कहाँ से प्रारंभ होगा? विजय जुलूस के लिए हम लोगों ने पॉलिटेक्निक चौराहे के जो पीछे का चौराहा है वहाँ तक तो प्रतिबंधित कर रखा है ट्रैफिक को, वहाँ से कोई भी गाड़ी अंदर अलाउ नहीं की जाएगी। जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे उनकी टीम को वहाँ तक अलाउ किया जाएगा, उसके बाद केवल प्रत्याशी अंदर आएंगे और उसके बाहर जाने के बाद जो भी चौराहा है जहाँ से हमने चिन्हित किया है उसको केवल वहीं से बाकी शहर के लिए विजय जुलूस वो है अलाउ किया गया है। अंदर उसके क्षेत्र में और जो विसिनिटी की रोड है वहाँ पर कोई भी जुलूस अलाउ नहीं किया जाएगा।